हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में आप लोगों को पहले तो क्या करना है, टेबल इंफॉर्मेशन करनी है, काउंट, ये है क्यूम्युलेटिव एट्रीब्यूट्स काउंट करना है। फर्स्ट, देयर वेर 1400 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, अमंग देम 855 वेर बॉयज एंड ऑफ देम 225 बॉयज वेर इन सेकेंड ईयर। तो आपको इंफॉर्मेशन रीड करनी है और इसमें टू एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है। फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो है ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। सेकेंड एट्रीब्यूट है वो है स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स। तो मैंने एक टेबल प्रॉपर क्रिएट कर लिया, ईयर ऑफ स्टडी वन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड स्टूडेंट्स में बॉयज एंड गर्ल्स। अब इस टेबल में इंफॉर्मेशन को अरेंज करना है। फिर से क्वेश्चन रीड कर लो। देयर वेर 1400 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कॉमर्स कॉलेज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज कैपिटल एन इज इक्वल टू 1400, अमंग देम 855 वेर बॉयज। तो 1400 में 855 बॉयज है, तो क्लियर है डिफरेंस। 1400 में से मैं 855 माइनस कर लो तो यस, डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा 545, ये है गर्ल्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। अमंग देम 855 वेर बॉयज एंड ऑफ देम, उस बॉयज में से 225 आर इन द सेकेंड ईयर। तो 225 सेकेंड ईयर में है। इन द सेकेंड ईयर द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल। अब सेकेंड ईयर में क्लियर लिखा है, इन द सेकेंड ईयर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल। तो बॉयज जितने हैं उतनी ही गर्ल्स रहेगी। अब इसका टोटल कर लो तो वो क्या हो गया, 450। चलो आगे बढ़ते हैं। अमंग द 550 स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में 550 स्टूडेंट्स हैं, द प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 3:2। तो जो आप देख सकते हैं टोटल थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स कितने रहेंगे वो काउंट कर सकते हो। किस तरह, तो कि टोटल 1400 स्टूडेंट्स थे, उसमें से फर्स्ट ईयर के 550, सेकेंड ईयर के 450 मैंने माइनस कर लिए, तो मुझे मालूम पड़ गया थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स कितने हैं, 400। तो यहाँ मैं 400 लिख सकता हूँ। यहाँ लिखा हुआ था कि फर्स्ट ईयर में बॉयज और गर्ल्स का प्रपोर्शन 3:2 है, तो ये मेरा सेकेंड वर्किंग नोट, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द फर्स्ट ईयर 3:2 प्रपोर्शन। बॉयज कितने रहेंगे, तो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 550 इन फर्स्ट ईयर, 3:2 यानी कि 3/5, बॉयज 3 है, दोनों को मिलाकर 5। इसका कैलकुलेशन करोगे तो 330, गर्ल्स के लिए 550 इंटू 2/5, 2 इसका प्रपोर्शन, प्रपोर्शन टोटल डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 220। तो यस, फर्स्ट ईयर में नंबर ऑफ बॉयज 330, नंबर ऑफ गर्ल्स 220। अब डिफरेंस ही ले लो तो भी हो जाएगा, 545 में से अगर आप ये माइनस कर लो 220 225, तो डिफरेंस मिलेगा 100। 855 में से अगर ये माइनस कर लो तो आपको डिफरेंस मिलेगा 300। तो ये टेबल हो गया कंप्लीट, लेकिन सिर्फ देखने के लिए लास्ट में लिखा है, इन द थर्ड ईयर नंबर ऑफ बॉयज इज थाइस और 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज है वो 3 गुना ज्यादा है गर्ल्स के कंपेरिजन में, तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो हो गया 3:1। थर्ड ईयर के टोटल स्टूडेंट्स है वो है 400, तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई प्रपोर्शन टोटल 4, तो हो गया 300, हमने पहले ही लिख लिया था। गर्ल्स के लिए 400 इंटू 1/4, इसका मतलब 100। तो ये आंसर हमारे पास पहले से ही अवेलेबल था। थैंक यू।